Hello everyone, how are you all? I hope so that you are so doing great. And यहाँ पर मैं हनी जिंजर एंड तुलसी के पत्तों से निकला हुआ रस उनसे एक दवाई बनाने वाली हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है जुखाम खांसी और इस सर्दी के मौसम में और ये जो बदलता हुआ मौसम है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होने वाली है और ये कोविड के पर्पज़ से भी बहुत अच्छी है। मतलब आप इसे डेली यूजेस में ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पे डाबर का हनी लिया है जो कि इस शेप में है, आप किसी भी शेप में ले सकते हैं। और यहाँ पे ये अदरक है, इसको मैं ऐसे कोट कोट कर इसका रस निकालूंगी जो कि मैं स्क्वीज़ करूंगी इसको लास्ट में। इसके साथ मैं यहाँ पे इसको कोट कर अच्छे से बहुत ही महीन, मतलब इसको मैं बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि इसके अच्छे से जो पेस्ट है वो निकल पाएगा और तभी ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा रस दे पाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से कोट कर और इसका रस निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसको मतलब या तो तुलसी के पत्ते या फिर मैं तो यहाँ पर तुलसी के पत्ते रेफ़र कर रही हूँ क्योंकि तुलसी के पत्ते में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती हैं। तो आपके घर में अगर तुलसी है और किसी भी तरह की तुलसी चलेगी, काली तुलसी और कई तरह की होती हैं, आई डोंट नो, तो यहाँ पे आप कोई भी तुलसी के पत्ते 10 से 12 लें, उनको अच्छे से वॉश कर लें और उनको इस अदरक के साथ कूट लें अच्छे से जिससे इनका अच्छे से रस निकल पाए। तो मैंने यहाँ पे पूरी एक टहनी ले ली है, बहुत सारे पत्ते इसमें इंक्लूडेड हैं। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तुलसी के, इसलिए हमें कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टहनी ले ली है तुलसी के पत्तों की। तो मेरे भी कोल्ड हो रहा था, सोचा मैंने बना लूँ तो आप लोगों को भी बता दूँ। तो मैंने इसको अच्छे से कोट लेना है और इसके बाद इस तरह का इन दोनों का मिक्स जो जूस निकलेगा वो इस तरह का होगा। तो देखो मैंने इस कपड़े में इसको छाना है और मैं इस एम्प्टी कंटेनर में, अगर कोई भी आपके पास कंटेनर है तो उसमें आप इनको डाल के और हनी के साथ मिक्स करना है। तो आप आपके पास कोई भी कंटेनर हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी और हनी के साथ मिक्स कर दूंगी ताकि आप इसे डेली यूजेज में 1 स्पून आपको लेना है बस ये डेली में, और हनी के साथ इसको मिक्स कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हनी होना चाहिए, आई मीन 80% हनी और 20% ये जूस होना चाहिए। अगर ज़्यादा आप उसकी क्वांटिटी रखेंगे तो बच्चे इसको नहीं पी पाएंगे, उनको थोड़ा टेस्ट अजीब लगेगा। तो हनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है और उनके जूस की कम रखनी है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो बड़ा आपको कंटेनर लेना है, स्पून से आपको उसको मिक्स कर देना है और उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तब उसको आप रख सकते हैं कूल प्लेस में। आप इसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें, ना ही सनलाइट में डायरेक्ट रखें, इसको आपको नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है जो आपका टेम्परेचर चल रहा है। तो इसको स्पून से ऐसे मिक्स कर दें दोनों को ऐसे अच्छे से। हाँ ये देखिए, इसमें अच्छे से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि किस तरह ये जूस अलग हो रहा है। तो इसमें मैं इसको डालूँगी क्योंकि उसमें वो निकालते टाइम बहुत प्रॉब्लम करता है, तो मैंने इसमें ही इसको डाल के मिक्स कर लिया है। देखिए पहले वो अलग शो हो रहा था ऊपर की साइड ब्लैक ब्लैक, बट इसमें मिक्स हो गया अच्छे से। तो मैं इसको बंद करके बस 1 स्पून डेली मैं लूँगी और बच्चों को दूँगी क्योंकि इसमें कोई बिखरने के चांसेस नहीं है, ना कोई बड़ा ढक्कन। इसमें बहुत ज़्यादा होल था और बड़ा भी था, तो बनाना मुझे थोड़ा ही था तो मैंने सोचा क्यों ना इसी में मैं बना लूँ। तो मैंने बना लिया और 1 चम्मच बस लेना है इस तरह से, आपको 1 चम्मच में दवाई के रूप में लेना है सुबह शाम। और इसको लेके आपको पानी नहीं पीना है, ना ही बच्चों को पीने देना है। पानी पीने से जो है उसमें गले में पानी चला जाता है तो इसका इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा इतना। तो बेटर है कि आप इसको लेके पानी ना पिए। तो देखिए इसकी थिकनेस, और अच्छा आपके पास है और हनी हो तो और भी अच्छा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।